السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. मोहतरम सामीन किराम, आज इंशाअल्लाह ताला हम आगाज कर रहे हैं सूरह अल बकरा की, आयत नंबर है 44 इंशाअल्लाह ताला। तदब्बुर कुरान की क्लास है और आयत नंबर है 44 इंशाअल्लाह ताला। और आगाज करते हैं सबसे पहले आज यूजुअल रूट वर्ड से मेरे मोहतरम। तो यहाँ अतअमुरूना में ये इसका रूट वर्ड है आमारा, अमारा है। और उसके बाद अन्नास, इसका रूट वर्ड हम ले चुके हैं और वो है आनीसा या नसु, अलिफ नून और सीन, बताएंगे आपको इंशाल्लाह, बता चुके हैं बहरहाल। उसके बाद फिर है बिलबिर्री, बिलबिर्री का रूट वर्ड है बर्रा, ये फेल मुदाफ है, यानी ये है बा रा रा बर्रा, ठीक। उसके बाद वतन सौना का रूट वर्ड है नसिया, यंसा, ये नसियुन है, तो ये इसका रूट वर्ड है नून सीन या नसिया, ठीक। अनफुसकुम, ये हम ले चुके हैं बहरहाल पहले, अनफुसकुम ये इसका रूट वर्ड है नफासा, नून फा और सीन, नफासा यनफुसु, ठीक। वअंतुम ज़मीर है, ततलूना है मेरे मोहतरम, ततलूना है ता ला वा, तला है तला, यतलू तो वाव है, बताया था आप अखीर में जो अलिफ आता है या दरमियान में, ये रूट वर्ड नहीं होता, ये ओरिजिनली या तो वाव होगा या फिर या होगा। और उसको कैसे पहचानेंगे, फेल मुदारे को लाकर मेरे मोहतरम, फेल मुदारे को लाकर अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो बन जाएगा। तो बहरहाल यहाँ मेरे मोहतरम फरमाया गया जी तला ता ला वा, ता लाम और वाव है, ता ला वा। अल किताब मेरे मोहतरम, अल किताब पर रूट वर्ड है का ता बा, का ता बा। और अफला में, और उसके बाद आ गया ताकिलून, ताकिलून का रूट वर्ड है आ तीला, आ
عين قاف اللام. ये इसका रूट वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम। अब आइए अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम अरबिक एनालिसिस कर लेते हैं इराब के लिहाज से। ये मेरे मोहतरम देखिए आ ये हमज़े इस्तिफ़हाम है, आ जो है ये हमज़े इस्तिफ़हाम है और ये मुब्तदा की शक्ल में आ रहा है फी महल रफा। अब इंशाल्लाह आप मुहल्ल लेना शुरू करेंगे तो आ जो है ये खाना किसका है, किसकी सिचुएशन है मुब्तदा रफा की, इसलिए हम कहेंगे आ हमज़े इस्तिफ़हाम है मगर जो फी महल रफा मुब्तदा है। तामुरूना ये मेरे मोहतरम फेल मुदारे है, तामुरूना फेल मुदारे है, अफ़ाल खमसा में से है, ले चुके हैं हम अफ़ाल खमसा। सबूत नून इसकी अलामत रफा है, वाव इसका फाइल है और अन्नासा ये इसका मफरूल भी ही है, इसका मफरूल भी ही। उसके बाद बाहर फिजर और अलबिर्री ये मजरूर हो गया, तो जार और मजरूर दोनों मफरूल भी के खाने में आ रहे हैं मगर दूसरा मफरूल भी, पहला अन्नासा है ये बिलबिर्री, दूसरा मफरूल भी है। उसके बाद तनसौना जी ये भी फेल मुदारे है मेरे मोहतरम और देखिए असल में है तनसवूना तफालूना जी, यहाँ दो वाव हैं, असल में ये है तनसवूना तफालूना जी, मगर यहाँ दो वाव होने की वजह से एक वाव को हजफ कर दिया गया आसानी के लिए और हो गया वह तनसवूना। ये देखिए जुबान पे आसानी के लिए आप देख रहे हैं हर आयत में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये आसानी अल्लाह ताला अता फरमा रहे हर आयत में। ये देखिए आप खुद हमेशा में कहते साहब माजरत, अब आप इस बात पे गौर कर लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जो हमारी जुबान पे कोई भारीपन नहीं रखना चाहते, कोई डिफिकल्टी नहीं रखना चाहते, किस में प्रोनाउंसिएशन में अदायगी में, तो क्या वो अल्लाह ताला ऐसी तालीमात हमें अता करेंगे जो डिफिकल्ट हो और मुश्किल हो? नामुमकिन मेरे मोहतरम। ये देखिए जी बहुत सारी बातें हैं जी, असल में तनसवूना है हो गया तनसवूना ठीक, फेल मुदारे है जी और वाव फाइल है और अनफुसा ये मफरूल भी ही हो गया, अनफुसा मफरूल भी ही है, वहुवा मुदाफ और मुदाफ भी है। मैंने बताया था आपको हमेशा मुदाफ और मौसूफ प्लस आते हैं, प्लस यानी अनफुसा ये मफरूल भी ही है, खाने मुहल्ले वकू मफरूल भी है ठीक। अब प्लस क्या है मुदाफ और कुम मुदाफिली हो गया, ये है हमेशा मुदाफ प्लस में आता है, मौसूफ भी प्लस होता है, मौसूफ मुब्तदा होगा प्लस मौसूफ, खबर होगा प्लस मौसूफ, इसी तरीके से मुदाफ भी हमेशा प्लस होता है। बारहा अनफुसकुम मफ़ऊल भी है वहुवा मुदाफ और कुम मुदाफ इले है। अब आ गया वा, वा वाव हालिया है इस हाल में, वा वाव हाल है। अंतुम मेरे मोहतरम ये जमीर मुनफसिल है, अंतुम ये मुब्तदा के खाने में आ रहा है ठीक, और वहां जो बताया था आपको तामुरून ऊपर बताया था अलिफ हमजा इस्तिफ़हाम मुब्तदा है और जुमला फेलिया खबर था, तामुरून अन्नास बिल बिर्री ये जुमला फेलिया इसका उसका खबर था। यहाँ वही बात रिपीट हो रही, अंतुम मुहल्ल मुब्तदा है, अंतुम रफा के मुहल्ल में मुब्तदा की शक्ल में आ रहा है। तत्लूना ये फिर फेल मुदारे आ गया मेरे मोहतरम जी, तत्लूना तत्लूना यहां भी मेरे मोहतरम तफालूना है असल में, तत्लूना तत्लूना तफालूना तफालूना तत्लूना है
जी यहां भी आसानी के तत्लूना कर दिया गया है। इसको मेरे मोहतरम फेल मुदारे है, वाव इसका फाइल है और अल किताबा ये मफरूल भी है। ठीक है साहब, इस हाल में कि आप किताब की तिलावत कर रहे हो, बताएंगे इंशाल्लाह आपको। अब आगे चलिए मेरे मोहतरम, आ आ जो है ये फिर वही हमज़े इस्तिफ़हाम आ गया मेरे मोहतरम मुब्तदा की शक्ल में। अच्छा असल में ये अला ताकिलून, क्या आप अकल इस्तेमाल नहीं करते, ये इसका तर्जुमा है। ये नहीं क्या अकल रखते हैं, नहीं नहीं ये तर्जुमा सही नहीं है। असल क्या है, अला ताकिलून, क्या आप अकल इस्तेमाल नहीं करते। अकल वाले तो सभी हैं, हम मैं भी अपने आप को अकल अकल वाला कहता हूँ, मगर अकल इस्तेमाल तो नहीं कर रहा ना। अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के लिए, नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा समझने के लिए, दीन तालीमात इलाही को समझने के लिए अकल इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर हाँ बात करेंगे इस पर दोनों इंशाल्लाह। तो यहाँ मेरे मोहतरम आ ये फा जो है, ये फा हर्फे अतफ है जो दरमियान में आ रहा है। अफला ताकिलून, आ क्या, तो क्या आ क्या, बस आप नहीं समझते। तो मेरे मोहतरम ये आ मुब्तदा है, फा जो है ये हर्फ अतफ है, ला हर्फ नाफिया है, ला हर्फ नाफिया है, और ताकिलून मेरे मोहतरम ये फेल मुदारे है। अगेन ये फेल मुदारे है मेरे मोहतरम, मरफू बिसबूत नून और वाव इसका फाइल है, और ये ताकिलून ये जुमला फेलिया, जुमला फेलिया किससे बनता है साहब, फेल फाइल से जुमला फेलिया बन गया। यस है ना, दो ही चीजें हमें चाहिए, फेल और फाइल, जिससे कि जुमला इस्मिया कैसे बनता है, हमें चाहिए मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर दोनों आ जाएंगे, एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा। जुमला फेलिया के लिए दो पिलर्स हैं, फेल और फाइल, वर्ब और सब्जेक्ट, एक्शन कर, एक्शन और एक्शन करने वाला, ये जुमला फेलिया है। तो ताकिलून ये जुमला फेलिया है जो कि खबर के मोहल्ले में आ रहा है। बताएंगे इंशाअल्लाह आपको ये इराब महल्ली जो है इंशाअल्लाह बाद में हम लेंगे इंशाअल्लाह आराम से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरबिक एनालिसिस मुकम्मल हो गया। अब आइए मेरे मोहतरम शुरू करते हैं इसकी तफसीर कुरान बिल कुरान। जी इंशाअल्लाह ताला, सबसे पहले मेरे मोहतरम यहाँ अतअमुरूना ये अमारा का है, इसका रूट वर्ड अमारा है, आमारा, हमजा मीम और रा, हमजा मीम रा। अब अमरा का मतलब क्या है मेरे मोहतरम, जी बताया था आपको मेरे मोहतरम, अमर के दी तीन डिफरेंट लेवल्स हैं, तीन डिफरेंट लेवल्स हैं, एक नहीं है मेरे मोहतरम, जी फर्क है मेरे मोहतरम। क्या फर्क है बताया था आपको, जब मेरे मोहतरम अदना आला से कोई चीज का मुतालबा करता है तो वो हुक्म नहीं दे रहा होता, वो मेरे मोहतरम वो बकायदा दरख्वास्त कर रहा होता है, आजिजी अपील कर रहा होता है। अगर हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो हम अपील कर रहे होते हैं ना, अपील कर रहे होते हैं। तो अदना जब आला से कोई चीज का मुतालबा करेगा तो मेरे मोहतरम वो अपील कर रहा होगा, वो आजिजाना मुनाजात कर रहा होगा। जी अच्छा, इसी तरीके से जब आला अदना से कुछ मुतालबा करेगा, बता दिया फर्क मेरे मोहतरम, जी आला जब अदना से कोई मुतालबा करेगा तो वो होगी नसीहत, जी वो होगी नसीहत, इंस्ट्रक्शंस मेरे मोहतरम, वसीयत होगी जी खैरखाही के लिए। तो आला जब अदना से कोई बात का मुतालबा करता है, इसीलिए वो क्या होगा, वो होगी अल्लाह ताला की तरफ से तालीमात, इंस्ट्रक्शन, नसीहतें होंगी मेरे मोहतरम।
अच्छा, अब आ गया बराबरी का मसाला। दो बराबर के लोग हैं, आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे पे हुक्म चलाएंगे। कौन किसका हुक्म मानता है मेरे मोहतरम जी? दुनिया में आपको पता है, अगर आप अपने बराबर से, बराबर वाले इंसान से आप कोई मुतालबा करेंगे तो आप प्लीज कहोगे ना, उससे पहले दरखास्त करोगे जी, दरखास्त करेंगे मेरे मोहतरम। इस बात को बहरहाल कुछ लोगों ने थोड़ा सा गलत तरीके से समझा और उन्होंने कहा कि साहब हम भी हुक्म देंगे, सभी हाकिम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला भी अहकामात देते हैं, अल्लाह ताला भी अहकामात देते हैं। हालांकि बताया था आपको, अहकामात का लफ्ज कुरान करीम में नहीं है मेरे मोहतरम। कोई साबित कर दे, पूरे कुरान में नहीं अहकामात। ये कहां से है? कमोटमेंट्स, यहूदी रिवायत है जी, वहां से ले अडोप कर लिया गया। फखर से कहते हैं अहकामात इलाही। कहां लिखे अहकामात इलाही मेरे मोहतरम? कोई एक आयत कोई बता दे हमें, कहीं नहीं है। तमाम मेरे मोहतरम वसीयतें हैं, यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको वसीयत दे रहे हैं, नसीहतें हैं मेरे मोहतरम, नसीहतें हैं। बताया था आपको, मोहब्बत करने वाला नसीहत करता है, हुक्म नहीं देता। मगर सारा कुरान ही बदल दिया। क्यों? उन्होंने कहा ये साबित करने के लिए कि वो भी खुद जालिम और जाबिर हाकिम हैं, वो भी अहकामात चलाते हैं, तो अल्लाह ताला भी अल-जब्बार अल-कहार है, वो भी अहकामात चलाते हैं। अपनी एक्सक्यूज देने के लिए मेरे मोहतरम अल्लाह ताला के हवाले से ये कहना शुरू कर दिया मेरे मोहतरम जी। नहीं हो सकता ना। आप दुनिया में देख लीजिए ना साहब, गैरों को तो छोड़िए, आप अपने औलाद को हुक्म दे सकते हैं? कोई दे के दिखाए हमें? चलिए, अपने औलाद को हुक्म दे सकते हैं आप? हाँ, 6 महीने के अंदर तो ठीक है, जब वो 6 महीने का बच्चा होता है वो उस पर हुक्म चला लेते हैं, 6 महीने के बाद वो आपकी बात नहीं मानता मेरे मोहतरम। औलाद पे तो हमारी हुक्म, हमारा हुक्म नहीं चलता। हम निकले हैं लोगों पर हुक्म मुसल्लत करने के लिए? नॉन सेंस मेरे मोहतरम, नॉन सेंस। फितरत के भी खिलाफ है, फितरत के भी खिलाफ है मेरे मोहतरम। कोई हुक्म नहीं सुनता। आपने अगर कोई मुतालबा करना है, दरखास्त कीजिए, ओके, वो लिसन टू यू, सुनेंगे आपकी बात, हुक्म मत चलाइए। ये गैर फित्री अमल, मगर इस गैर फित्री अमल को मुसल्लत किया गया दीन के नाम पे मेरे मोहतरम, अऊज़ु बिल्लाह। नतीजा आपके सामने, इसीलिए जब वो देखते हैं कि साहब हमने हुक्म दिया और सामने वाले ने माना नहीं, अब तौहीन हो गई ना हमारी, कैसे नहीं मानेगा? इसलिए उनका दूसरा स्टेप सिखाया कि साहब अगर न माने कत्ल कर दो उसको, खत्म, जबरदस्ती करो उसके साथ, नहीं माने कत्ल कर दो। मगर आपकी बात नीचे नहीं होनी चाहिए। आपने कहा है साहब, आपका फरमान है, कैसे नहीं मानेगा वो? गैर फित्री बात है मेरे मोहतरम। और इस गैर फित्री रिवायत को तो बहरहाल तारीख गवाह है कैसे किया गया। तारीख के गवाह को उठा के पढ़ लीजिए मेरे मोहतरम। अब आइए मेरे मोहतरम, कुरान को समझेंगे ना, कुरान से मेरे मोहतरम जी, कुरान को समझेंगे, कुरान से आइए। अतअमुरून अन्नास, ठीक। तो यहां मेरे मोहतरम तअमुरून का मतलब है तलकीन करना जी, तलकीन करना। क्यों मेरे मोहतरम? आइए आइए मेरे मोहतरम, सूरे हम आते हैं सूरे आल इमरान की तरफ, ठीक है साहब? ये देखिए, यहां से आते हैं और बताते हैं आपको। देखिए मेरे मोहतरम, आयत नंबर है, अल्लाहु अकबर, आयत नंबर है 103 मेरे मोहतरम, नहीं 104, माजरत 104। फरमाया वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन, आल इमरान 3 और आयत नंबर 104। वल्तकुन और हो, और चाहिए कि हो मिनकुम आप में से, उम्मतन एक जमात, यदरून इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाए, खैर की तरफ बुलाए। तो आप कैसे बुलाएंगे खैर की तरफ मेरे मोहतरम? हुक्म देकर,
नहीं हो सकता ना, खैर की तरफ आप बुलाएंगे मेरे मोहतरम, आप खैर की तरफ बुलाएंगे मोहब्बत और प्यार से तलकीन करेंगे खैर की। मेरे मोहतरम आइए आइए मेरे मोहतरम, सूरह अल असर की तरफ चलते हैं, जिसको हमेशा माशाल्लाह कोट किया जाता है, हमेशा वही आयत मिली हुई है मुसलमानों को और कोई भी नहीं है पूरे कुरान में उनको, बस सूरह असर मिली है उससे। वो क्या साबित करते हैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए सूरह असर है मेरे मोहतरम सूरह नंबर 103, फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق क्या मतलब है तवासव का मेरे मोहतरम? तवासा तफाअला, ये फेल सुलासी मजीद है तफाअला की वजन से। क्या मतलब? एक दूसरे को हक की बात की तलकीन करें। कहाँ लिखा है? एक दूसरे पे हो, एक दूसरे को हक को हक का हुक्म दें। कुरान वतवासव बिस्सब्र, और एक दूसरे को सबर की तलकीन करें। मेरे मोहतरम तवासी का मतलब है एक दूसरे को तलकीन करना। यह है तफसीर कुरान बिल कुरान। किसकी नहीं कहा जा रहा है तामरून अन्नास बिल बिर, हमसे कहा जा रहा है ना। तो साहब तामरून का मतलब तलकीन करना है। सूरह असर वजाहत कर रही है तामरून का मतलब क्या है। जी जी तामरून का मतलब क्या है? तलकीन करना। याद है ना, इसी आयत को कोट किया जाता है हुक्म के लिए। अरे साहब अरबी को मत बदलिए, इंटरप्रिटेशन गलत मत कीजिए कुरान करीम के, मत कीजिए। आपको जो अपना थ्योरी बनानी है बनाइए, बस कुरान को कोट मत करिए, बस ये है। मगर उनको पता है हर कोई मेरे मोहतरम अपनी बातिल थ्योरीज को कुरान से साबित करने की कोशिश करता है ना जी। को बताए लोग नहीं मानेंगे। अब आयत तो आपने पढ़ दी तवासव बिल हक, आप जिससे चाहें अरबी लुगत को उठा के देख लीजिए मेरे मोहतरम। तवासी का मतलब एक दूसरे को तलकीन करना, एक दूसरे को नसीहत करना, हुक्म करना। कहां से आ गया, कहां से आ गया हुक्म करना? जबकि बता दिया आपको मतलब हुक्म करना अनप्रैक्टिकल है, अनप्रैक्टिकल नहीं हो सकता, बता दिया आपको। औलाद हुक्म नहीं मानती, रफीक हयात हुक्म नहीं मानता मेरी। मैं निकला हूं माशाल्लाह, जो लोग उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं वो मेरी बात मान लेंगे। क्यों सा क्या क्या सुरखाब लगे हुए हैं मेरे अंदर? गैर फित्री बात, गैर फित्री बात, अनप्रैक्टिकल मेरे मोहतरम। मगर सिर्फ दीन को बदनाम करने की, तभी तो उन्होंने कहा जो न माने वो भी काफिर। सबों ने नारा लगाया, सबों ने नारा लगाया। जी जी ये जो इब्न तैमिया है और उनके बाद इब्न अब्दुल वहाब जो आए, उनको आप पढ़ लीजिए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जो जो कब्र परस्तों को काफिर न माने वो भी काफिर। गुड, खत्म। जो कब्र परस्ती करने वालों को काफिर न माने वो भी काफिर। इंतहा तो ये वो कहते हैं जो उसकी कुफर में शक करे वो भी काफिर, इब्ने काफिर। ये है दीन हमारी, हमें सिखाया जा रहा है। जी यानी हम उन्होंने जो माना आप मानिए, और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप काफिर इब्न काफिर। ये दीन है मेरे मोहतरम। ये देखिए आप, ये वहीं से सब बातें निकली हैं मेरे मोहतरम, माउज बिल्ला। बस इसलिए मेरे मोहतरम मसला हल होता अगर हम तफसीर कुरान बिल कुरान को समझते, और समझते कि अतअमुरून अमारक, अमारक का मतलब तलकीन करना। और बता दिया कि आप अपने माँ बाप को हुक्म दोगे, क्या करोगे? हुक्म दोगे सबको, माँ बाप को भी हुक्म दोगे, उस्ताद को भी अपनी हुक्म दोगे, अपने बड़े भाई को भी, ताया चचा सबको हुक्म दोगे आप? नहीं दे सकते ना, गलत है। तो यह अमारक का मतलब हुक्म देना नहीं है,
अमरक मतलब तलकीन करना है, नसीहत कर सकते हैं एक दूसरे को हम मेरे मोहतरम, वही है तवासी बिल हक मेरे मोहतरम। सूर बलद में अल्हम्दुलिल्लाह सो नंबर 90 है, 90 और आयत नंबर 17 है। वहां फरमाया व तवासौ बिस सब्री व तवासौ बिल मरहमा, एक दूसरे को तलकीन, एक दूसरे को नसीहत करते हैं सबर की, और एक दूसरे को नसीहत करते हैं तलकीन करते हैं रहम दिली की, मोहब्बत और प्यार की। कुरान की आयत है मेरी मोहतरम, इसको नहीं बयान किया जाता ना। तवासी बिल हक को गुनगुनाया जाता है, बिकॉज वही आयत मिल गई ना उनको कि साहब हम दीन को कायम करने उठे हैं, हम हमारी जिम्मेदारी है दीन को कायम करना। किसने दे दी आपको जिम्मेदारी साहब? किसने? अभी आएगी कुरान की आयत, नहीं दी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी, ना ना। फिर दोहरा रहा हूं आपके लिए, कुरान क्लियर है मेरे मोहतरम। सूरह माईदा 51:05, जिम्मेदारी किसकी दी? या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, अहले ईमान आप खुद अपनी जान की जिम्मेदार है, बस खत्म। मुझे जिम्मेदारी दी गई मेरी अपनी, बस इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कुरान करीम में तो नहीं है मेरे मोहतरम, रिवायात में जो कुछ बनाया और उस पर जो फसाद बर्पा हुआ और आज भी जो किया जा रहा है वो तो चलता रहेगा सिलसिला। इसलिए मेरे मोहतरम कुरान को सभी कोट करते हैं ना जी, कुरान से, कुरान से कहां साबित करेंगे? कुरान से जी। इसीलिए अरबी लुगत मत पढ़िए, रूटवट मत समझिए जी, अरबी मत पढ़िए, अरबी लुगत मत पढ़िए, न कुरान पढ़िए। बस हम जो अपने बातिल अकीदे आपको बताते चले जाएं वो मानते चले जाइए। रियली कोई पूछे तवासी का मतलब हुक्म देना है एक दूसरे को, कोई हमें बस ये बता दे रेली, तवासी बिल हक का मतलब एक दूसरे को हुक्म देना है या नसीहत और तलकीन करना है मेरे मोहतरम? तो अगर तलकीन करना है तो यहां अता अमरून अन्नास। अब मेरे मोहतरम देखिए, आइए इंशाल्लाह ये भी आपको समझा दूं, सूरे आल इमरान की आयत अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको बताई थी मेरे मोहतरम, उसी आयत की तरफ हम फिर चलते हैं जी। सूरे आल इमरान की आयत जो अभी आपको बताई थी उसकी तरफ हम फिर चलते हैं ताकि आपको बात वाजे हो जाए और डिस्टर्बेंस न रहे मेरे मोहतरम। ये देखिए मेरे मोहतरम, जब फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर 104 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ये आ गई आयत। इसी पे मेरे मोहतरम जी कहने साहब ये लिखा है, देखिए यामुरून बिलमारूफ, ठीक। पहली बात तो मेरे मोहतरम वही बात, अमरा का मतलब क्या है जी? अमरा का मतलब क्या है मेरे मोहतरम? कुरान से समझेंगे, तफसीर कुरान बिल कुरान। अमरा का मतलब तलकीन करना, एक दूसरे को नसीहत करना, यही असल है, यही प्रैक्टिकल चीज है मेरे मोहतरम, ठीक। अब यहां एक लफ्ज आ रहा है अलमारूफ, इसको याद रखिएगा, आएंगे इसकी तरफ अभी हम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने जुमला फेलिया के बारे में समझा, ये देखिए जुमला फेलिया फेल फाइल मफरूल भी, ठीक है सर, राइट। फेल वर्ब है एक्शन, फाइल एक्शन करने वाले, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और मफरूल भी जिस पे एक्शन किया जाए, ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन किया जाए, ठीक। तो साहब अगर यहां होता है यामुरूना अन्नासा, जैसे यहां आ गया ना 44 में सूरह बकरा में आ गए अतअमुरूना अन्नासा, या अन्नासा मफ़ऊल भी आ गया लोगों को। सूरह आले इमरान में 104 में नहीं आया अन्नासा, फरमाया वत तअमुरूना यामुरूना, त
तलकीन करते हैं, ये किसको करते हैं? नहीं आया। यस, मफरूल भी नहीं है मेरे मोहतरम, ये किस पे एक्शन हो रहा है? कुरान ने इसका तस्किरा नहीं किया मेरे मोहतरम। अगर होता तो हम मान लेते साहब लिखा हुआ है साहब, या अमरून अन्नास बिल मारूफ यनहून अन्नास अनिल मुनकर, बुराई से लोगों को ये इजाफा करते हैं लोग जी, बेनिफिट में इजाफा कर देते हैं। कुरान में तो नहीं लिखा साहब, लोगों को यनहून रोकते हैं लोगों को अनिल मुनकर बुराई से, कहां लिखा है लोग? नहीं लिखा। जब मफरूल भी नहीं है मेरे मोहतरम तो बरकत में इजाफा किया। अब बरकत उनकी अपनी तरफ से है ना, ये किताब इलाही में नहीं है, उनका अपना इश्तिहाद है, वो अपने इश्तिहाद का जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला के यहाँ। अब हमें भी इजाजत दीजिए इश्तिहाद की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाकिस इश्तिहाद यही है कि ये तलकीन करते हैं मेरे मोहतरम, नसीहत करते हैं अन्नासा लोगों को, नहीं अपने आप को जी, तलकीन करते हैं अपने आप को, यस अपना तज़किया करते हैं, यनहौना रोकते हैं, रोकते हैं किसको? अपने आप को रोकते हैं बुराइयों से जी। आप देखिए हमेशा ब्रिकेट लगा हुआ होगा लोग, नहीं सर हम लोग नहीं लगाते, हम कहते हैं अपने आप को, बिकॉज मैं जिम्मेदार हूं अपने आप का, तो सब मैं अपने आप को है ना मेरे मोहतरम, सेल्फ कन्विंसिंग का काम हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना, काउंसलिंग, सेल्फ काउंसलिंग हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। वो कहते हैं साहब आप उनसे कहें कि आप खुद अपनी सेल्फ काउंसलिंग, आप खुद अपना मुहासबा करिए, ठीक है ना सर, मुहासबा करूंगा अपने आप का, तो अपने आप को तलकीन करूंगा अच्छाई की, अपने आप को रोकूंगा बुराई से, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तज़किया का अमल है मेरे मोहतरम जी, ये तज़किया का अमल। मगर किस तरीके से हमें देखे से दूर किया गया, लोगों के पीछे लगा दिया, बस जिंदगी भर लोगों के पीछे लगे रहे, औज़ुबिल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम यहाँ तअमुरून अन्नासा लोगों को आप तलकीन करते हो, अन्नासा बताया था ये निकला है आनीसा, उनसे निकला है, उनसे इंसान से उनसियत ही तो है ना मेरे मोहतरम जी। ये अनीसा या अनसु इंसुन जो कुरान में आ गया, अल इंसु वल जिन, इंसुन ये मस्दर है मेरे मोहतरम, उसी से निकला इस्मुल मस्दर अल इंसान, ये इस्मुल मस्दर है, और नासुन ये जमा का सीगा है, नासुन इंसान की जमा का सीगा है मेरे मोहतरम जी, जिसका इतलाक होता है सबके लिए मेरे मोहतरम। बहरहाल ठीक, तो यहां देखिए इंसान उनसियत से निकला है मेरे मोहतरम, अल्लाह ने इंसान, हमें इंसान बनाया है उनसियत से, तो फिर क्या लोगों को उनसियत होती है मुझसे? ये लोग मेरे आने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता, मेरा कोई आना पसंद नहीं करता, देख लीजिए आप, लोग मुझसे उनसियत हासिल करते हैं या मुझसे मुतनफिर होते हैं मेरे मोहतरम, देख लीजिए आप। अल्लाह ताला ने तो हमें इंसान बनाया, उनसियत वाले हैं हम मेरे मोहतरम। इसी देखिए बुखारी शरीफ में आता है, मेरे हबीब मेरे आका सरवर कायनात फिदा हो बी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मोमिन की डिफिनेशन क्या दी? आप फरमाए अल मुमिनु हयिनुन लयिनुन, पूरे कुरान से जी, मोमिन हयीन है, हयीन यानी आसान है, इजी टू कन्वेस, इजी है, टफ गाय नहीं है, वेरी इजी, इजी टू डील विद इट विद हिम, सॉरी बहुत आसान है, लयीनान इंतहाई सॉफ्ट है, जुबान में भी किरदार में भी सॉफ्ट है,
जुबान का भी शौक, किरदार का भी शौक, और आसान है, इजी है। फिर फरमाया ए फोन, ये आ गई बात, मोहब्बत करने वाला, उनसियत, उसी उनसियत होती है, लोगों से मोहब्बत करता है। और चौथी बात फरमाई मालूफन, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। कुर्बान जाइए मेरे हबीब, मेरे आका सरवरी कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कितनी प्यारी बात बताई, ये मुकम्मल कुरान से साबित। जी, इल्फुन उनसियत, मालूफ उनसियत होती है उससे, मोहब्बत होती है मेरे मोहतरम। ये मोमिन की चार क्वालिटीज अपने आप में तलाश करता रहूं, कुरान में देखूं क्या है मेरे अंदर, क्या मैं आसान हूं, क्या मैं सॉफ्ट हूं, क्या मैं मोहब्बत करता हूं और लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, है या इसके बरक्स लोग उससे नफरत और बुग़्ज़ करता हूं, लोग मुझसे बुग़्ज़ और नफरत करते हैं। औज़ु बिल्लाह, जी जुबान का सख्त, बद अख़लाक, बद तहजीब, जुबान का सख्त, लहजे का सख्त, हर चीज। औज़ु बिल्लाह, ये कौन सा दीन है मेरे मोहतरम। तो बहरहाल यहां फरमाया कि आप लोगों को जो उनसीयत वाले, जब अब देखिए उनसीयत पैदा करनी ना साहब, सिंपल, ये तो बहुत बड़ी थ्योरी है मेरे मोहतरम जी, मगर हमें गलत बताया गया, इस तरीके से हमें अल्लाह ताला से डराया गया। अल्लाह ताला से डरिए, डर की थ्योरी दी गई, और हमें सब पता है फितरी तौर पर ह्यूमन यू ही है। अब नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे साहब, अब नॉर्मल जाने रब जाने, एक एक नॉर्मल इंसान यही होता है, ह्यूमन नेचर यही है कि आप मुझे जिस चीज से डराएंगे मैं उससे दूर भागूंगा, उसके अंदर घुसूंगा नहीं साहब, सिंपल यही है ना उनका। नहीं साहब, नहीं, आप अल्लाह से डरे और अल्लाह के अंदर जाए, कैसे हो सकता है भाई, क्या कर रहे हैं आप, गलत झूठ बोला गया, यकीनन नतीजा आपके सामने, लोग अल्लाह से मुतनफिर हो गए, दूर हो गए। इसी तरीके से मेरे मोहतरम, ये अहकामात, अहकामात, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, औज़ु बिल्लाह। देखिए अगर कहते कि अल्लाह ताला हमें नसीहत फरमा रहे हैं, तो अल्लाह ताला की खैर खाही, अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार होता जी, अल्लाह से करीब होते, मोहब्बत ही असल पैगाम है हमारे दीन का मेरे मोहतरम, मोहब्बत हमारे दीन का खमीर है, खमीर मोहब्बत है, मगर हमारा खमीर नफरत और बोझ बनाया गया। और फिर सबसे, जब आप मेरा मिजाज बना देंगे नफरत का, तो फिर सबसे करूंगा भाई, रफीक हयात से भी करूंगा, औलाद से भी, माँ बाप से भी, उस्ताद से भी, अपने अपने कौम से, अपने वतन से, अपने मुल्क से, तमाम इंसानों से नफरत करूंगा ना साहब। अब तो फिर मैं मिजाज बन गया नफरत का, अब मैं कहाँ सोचूंगा कि नहीं साहब इनसे मोहब्बत कर, इन नफरत करूं, नहीं हो सकेगा, जब मिजाज बन जाएगा मेरे मोहतरम। इसीलिए मोहब्बत, ये देखिए, अतअमुरूनन्नास, जो लोग उनसीयत चाहते हैं, आप उनको हुक्म देकर तो उनका दिल नहीं जीत सकते, उनसीयत अपने हाथ, उनसीयत हासिल करने के लिए आपने उनको नसीहत करनी पड़ेगी। आइए अब एक और आयत मेरे मोहतरम, आइए जी, ये तफसीर कुरान बिल कुरान, बस एक आयत को लेके नहीं, अभी देखते हैं, आइए वही बात आ रही ना, अतअमुरून अन्नास, आप लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं। आइए मेरे मोहतरम, चलते हैं सूरह नहल की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नहल की तरफ आते हैं, सूरह नंबर 16 है मेरे मोहतरम, और आयत नंबर है मेरे मोहतरम 125, खोल लीजिए नहल 16 की 125, 125, जब फरमाया उद्रु इला सबील रब्बिका, बुलाइए बुलाइए लोगों को, यदरून बुलाइए, कैसे बुलाएंगे, मोहब्बत और प्यार से बुलाइए, तलकीन करें उनको साहब,
बुलाइए लोगों को रब्बे जुल जलाल इला सबीली रब्बिका, रब्बे जुल जलाल के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाइए बिल हिकमत और दानाई के साथ, गाली गलौज से नहीं, फतवेबाजी से नहीं, लोगों को काफिर और मुशरिक के बिदाती कहने से नहीं, हिकमत से साहब, हिकमत। और हिकमत के तरीका बता दिया, वह बिल मौइज़तिल हसना, और मौइज़े हसना से बुलाइए। अब इसका तर्जुमा आप देख लीजिए, मौइज़े हसना क्या है मेरे मोहतरम? मौइज़े हसना नरम गुफ्तगू जो दिल पे असर कर जाए। ये इमाम अली आली मकाम अली सलाम का कौल है, जिसको जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदा नकल फरमाया है। फरमाते कि मैंने इमाम अली आली मकाम से पूछा कि मौइज़े हसन से क्या मुराद है? इसका रूट वर्ड भी यही है बहरहाल। जी, वाज़ नसीहत हम कहते हैं ना, वाज़ नसीहत, तो वो अस क्या है? उन्हें कहा अल-कलामु लय्यिनु लज़ी युअस्सिरु फिल क़ल्ब, नरम गुफ्तगू जो दिल पे असर कर जाए। अब इसके दलील आपको दूंगा मेरे मोहतरम, तो समझ गए साहब। तलकीन इंसानियत को, उन्स वाले लोगों को, उन्सियत भरे लोगों के साथ कैसी होनी चाहिए थी? मोहब्बत और प्यार से। अब कहा बिल बिर, आप लोगों को तलकीन करते हो बिर बिर। माशाल्लाह हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त नहीं है ना साहब, बिर का मतलब भी नेकी जायज, ओके। अलमारूफ 104, या अमरून बिल मारूफ, मारूफ का मतलब भी नेकी, अच्छा साहब। मन जा बिल हसनती फलव अशरु अमसालिहा, हसना का मतलब भी नेकी। बताया आपको ऐसा नहीं हो सकता मेरे मोहतरम। बस ये सबसे बड़ा धोखा हमें दिया गया, मुतरादिफ अल्फाज। नहीं साहब, कोई मुतरादिफ अल्फाज नहीं। जब रूट वर्ड अलग है, लफ्ज अलग है, माना अलग है मेरे मोहतरम, बिल्कुल बिल्कुल। बार बार दोहराता हूं आपके लिए जी, एक लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, ये तो ठीक है, मगर तीन अलग अलग अल्फाज एक ही मतलब के नहीं मेरे मोहतरम, हरगिज नहीं। बहुत बड़ा धोखा था यकीनन दिया गया यहूदियों को प्रमोट करने के लिए, कि यहूदी का मतलब भी यहूदी, अहले किताब का मतलब भी यहूदी, ठीक। हाँ जी, और बहुत कुछ मेरे मोहतरम क्या नहीं किया गया। मगर देखिए तारीख की औराक उठा के देख लीजिए, अल्लाह ताला का ये कानून है मेरे मोहतरम। जी, आपको पता है यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन तो खैर अभी आए हैं, ब्रिटिश फ्रांस और जर्मन से पहले आपको पता है कौन सुपर पावर था इस दुनिया में? हमारे बच्चों को पता ही नहीं, पुर्तगाल। यस, आज भी ये मौजूद है मुल्क अल-पुर्तगाल, पुर्तगल लोग जी, यूरोप का एक मुल्क है। उन्होंने पूरे गल्फ पे कब्जा कर रखा था, आपके हिंदुस्तान पे कब्जा कर रखा था, तुर्की पर सबसे कब्जा कर रखा था। ये कौन से सेंचुरी की बात कर रहा हूं? 18 18, ठीक है सर। उसके बाद मेरे मोहतरम फिर ब्रिटिश फ्रांस उठते हैं मेरे मोहतरम, और वो आकर आके लड़ते हैं और पुर्तगाली लोगों को, पुर्तगाल को निकाल देते हैं मेरे मोहतरम। अब उनका नामो निशान नहीं रहा, जबकि उन्होंने 2 सदियां मेरे मोहतरम हुक्मरानी करी, 2 सदियां, 200 ईयर्स उन्होंने हुक्मरानी करी जी। खिलाफत उस्मानिया के साथ उनकी बहुत बड़ी तारीख है बहरहाल। फिर मोहतरम उसके बाद, और अमेरिका तो अभी आया है, इसको सिर्फ 70 साल 80 साल हुए हैं मेरे मोहतरम। तो ये अल्लाह, ये आपको क्या बताना चाह रहा हूं मेरे मोहतरम, जिन लोगों को जो मौका मिला उन्होंने दीन इलाही में तब्दीली करी जी, मगर नामुल शान न रहा। यस,
ये अल्लाह ताला का कानून है जो चलता रहता है मेरे मोहतरम। तो यहां आप याद रखिए मेरे मोहतरम, आप रूल समझ लीजिए। रूल क्या है, हर लफ्ज का अपना मतलब है। अब आइए मेरे मोहतरम, आज इंशाल्लाह बता देता हूं आपको इन तीनों में फर्क कुरान से ही मेरे मोहतरम। जी जी, रूट वर्ड से निकालेंगे और आपको फर्क बता दूंगा। पहले शुरू करते हैं इसी मुबारक लफ्ज से, बर्रा, बारारा। ठीक मेरे मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यहां बताया है किनके बारे में कहा गया, बरारा जमा कसीगा, अल अबरार कहा गया सूरह आले इमरान में, ठीक, और कहा गया सूरह मुतफ़िफ़ीन में। चलिए सूरह मुतफ़िफ़ीन के तरफ आ जाते हैं अखीर में मेरे मोहतरम, आ जाइए अखीर में आते हैं सूरह मुतफ़िफ़ीन, सो नंबर है 83 मेरे मोहतरम, और आयत नंबर है 22। इन्नल अबरारा लफी नईम, बेशक अल अबरार, अल अबरार जमा का सीगा है किसका, बारुन, बारुन का, जैसे हाजुन बारुन। ये यकीनन सूरे इन्फितार में भी आता है, इन्नल अबरार लफी नईम, आयत नंबर 13 है जी, और सूरा नंबर है 82। सूरह आल इमरान में भी आता है वमा इंदल्लाहि खैरुन लिल अबरार, अबरार का जमा का सीगा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अक्सर लोगों के नाम अबरारुल हक लोग रखते हैं अपना नाम, ठीक माशाल्लाह। आइए अब आते हैं मेरे मोहतरम, ये लकब अल्लाह ताला ने किसको अता किया है, मोमिनीन को भी अता किया, बताऊंगा रुक जाइए, आएंगे इसके तरफ। मगर कुरान ने किसने अल्लाह ताला ने किसको लकब दिया, आइए सूरह अबस, अबस व तवल्ला, सूरह नंबर 80 है और आयत नंबर 16, फरिश्तों के बारे में फरमाया जा रहा है, फी सुहफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहरतिन बिअयदी सफरतिन किरामिन बरारतिन, किरामिन बरारा। आहा, तो बर्रा का मतलब क्या है मेरे मोहतरम, उसी से निकला बिर्रुल वालिदैन जी, बर्र या बुर्रु, बिर्रुन व बर्रुन जी, बिर्रुन भी है बर्रुन भी है, ठीक। तो मेरे मोहतरम यहां बर्रुन का मतलब क्या है मेरे मोहतरम जी, यहां भी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्दाने इमाम अली आले मकाम अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया, फरमाया करते थे अल बिर्रु अल अमलु अल मस्बूकु बिहुब्बिल्लाहि व तअज़ीमिही, अल अमलु अल मस्बूकु बिहुब्बिल्लाहि व तअज़ीमिही। फरमाया करते थे अल बिर वो अमल है जो इंसान अंजाम देता है मगर उससे पहले उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताजीम होती है। ये नेकी आम नेकी नहीं है मेरे मोहतरम, नहीं साहब, ये नेकी वो नेकी है अल बिर, बिर वो नेकी है मेरे मोहतरम जो इंसान करता है अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताजीम रखते हो, ये है बिर, ये है वो नेकी का अमल, सिर्फ नेकी नहीं। क्यों, बिकॉज देखिए फरिश्ते कैसे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, फरिश्ते कौन है, अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ताला की ताजीम करने वाले। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था मेरे मोहतरम, इत्तिबा तबिया, इत्तिबा, इत्तिबा बगैर मोहब्बत के नामुमकिन है जी, मोहब्बत के जज्बे के साथ अमल करना, पैरवी करना वो इत्तिबा है। इसी तरीके से मेरे मोहतरम बिर, बिर क्या है, अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरपूर मामूर दिल रखकर, अल्लाह ताला की मोहब्बत से मामूर, अल्लाह ताला की अजमत से मामूर दिल के बाद नेकी करना, वो है बिर।
तभी अल्लाह ने फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम। आहा जी, अल अबरार कहा मेरे मोहतरम, अल अबरार नहीं बताया जाता हमें नेकी है, नहीं साहब। तो अल्लाह ताला ने की क्या बताया कि लोग क्यों, क्या बात आ गई मेरे मोहतरम कि वो लोग, अल बिर का मतलब क्या हुआ, वो नेकी जो इंसान दिल के गहराई से करे, वो नेकी जो अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरपूर दिल, अल्लाह की अजमत से भरपूर दिल से की जाए, यह है अल बिर। आ गई ना बात। तो फरमा दिए कि ये लोग इंसानों को उस उन अनामाल की तलकीन कर रहे हैं, उन अमाल की तलकीन कर रहे हैं जो अमाल की जाते हैं अल्लाह ताला से भर मोहब्बत, अल्लाह ताला की पुरअजमत का एहसास करते हुए उसकी तलकीन कर रहे हैं। हाँ देखा आपने क्या इशारा, वही आ गया कि वो मौइज़ा हसना, नरम गुफ्तगू का, गरम गुफ्तगू का एहतमाम कर रहे हैं मेरे मोहतरम। मगर अब क्या बात आ रही है मेरे मोहतरम, अब यहां वाव जो है मेरे मोहतरम, वाव अतअमुरून अन्नास बिलबिर्री वतनसौन, अब ये वाव मेरे मोहतरम वाव अतफ है या वाव हाल है, इसमें इख्तिलाफ है जी, इसमें इख्तिलाफ है। मैंने तो आपको वाव अतफ कहा था शुरू में, मगर इसमें इख्तिलाफ है कि वाव अतफ है या वाव हाल है। यहां वाव हाल है मेरे मोहतरम जी। फरमाया कि आप लोगों को तलकीन कर रहे हो ऐसे अमाल की जो अमाल अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत के बाद वजूद में आते हैं, इन अमालों की तलकीन कर रहे हो, मगर सूरत हाल ये है कि आप खुद व अंतुम तनसौन अनफुसकुम, मगर सूरत हाल ये है कि आप अपनी फिक्र नहीं कर रहे, अपने आप को भुलाए चले जा रहे हो। आऊंगा इसके तभी तो बहुत अहम बात आ गई जी, रुक जाइए। मैंने आपसे कहा तो फर्क बता दूं आपको, आइए अब मेरे मोहतरम नेकी अल बिर आ गया, अब आइए आते हैं, अब हम आते हैं अल हसना की तरफ जी। आइए बेशुमार आयात सूरह बकरा में आ जाते हैं ना मेरे मोहतरम जी जी, आयत नंबर 200 है, 201 जो दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा पढ़ते हैं, हा? ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جی، یہ بھی ہے، چلیے یہ ذرا تھوڑا سا آپ کہیں گے صاحب اس میں وہ مطلب نہیں آ رہا، چلیے آ جائیے کوئی حرج نہیں، سورہ انعام کھول لیجیے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 160 میرے محترم، फरमाया मन जा अबिल हसनती, जो आएगा नेकी के साथ, फलहु अशरु अम्सालिहा, तो उसको उसके 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो अल हसना का मतलब भी नेकी है? नहीं मेरे मोहतरम ना। देखा आपने हमारे यहां तो सब जैसे गुनाह, जम्बुन भी गुनाह, इस्मुन भी गुनाह, जुनाहन भी गुना, हरजुन भी गुना, सब गुना गुना, आऊज बिल्ला आऊज बिल्ला। नहीं मेरे मोहतरम ना ना ना। अब हसना का रूट वर्ड क्या है देख लीजिए आप, हा सू ना। आह ये बाबू करुमा है मेरे मोहतरम जी, हा सू ना यह सुनु। तो हसना मेरे मोहतरम ये मस्दर मर्रा है फ़ालतुन की वजन पर, फ़ालतुन बारहा, तो हसनतुन का मतलब है मेरे मोहतरम इंतहाई बेहतरीन अमल, हसीन तरीन अमल मेरे मोहतरम। और हसीन तरीन अमल किस लिहाज से, शक्ल उसकी हसीन तरीन है,
मानवी लिहाज से मेरे मोहतरम, जिससे साबित हो गया मेरे मोहतरम आमाल सालिहा इंतहाई बेहतरीन आमाल होते हैं मेरे मोहतरम, मानवी लिहाज से हसीन होते हैं, इसलिए कि वो इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक होते हैं। और जो इंसान हसीन तरीन आमाल को इख्तियार करता है उसका मिजाज भी हसीन तरीन होता चला जाता है। जी नेकी नहीं है मेरे मोहतरम, नहीं साहब, बेहतरीन अमल, बेहतरीन अमल यह अल हसना द बेस्ट, जो सबसे बेहतरीन अमल करेगा, बेहतरीन अमल, यस मेरे मोहतरम, साबित हो गया अमाल सालिहा सब बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें हुस्न मानवी पाया जाता है मेरे मोहतरम, उसी से निकला है ना हसीन और जमील। हाँ ये देखिए, ये हमें किसी ने बताया कि अमल भी हसीन होता है, ये बता दिया कि जनाब यूसुफ हसीन और जमील थे, ये सबको पता है, ये सबको पता है, कुरान में कहीं नहीं लिखा मेरे मोहतरम कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन और जमील थे, यहूदी रिवायत अऊज़ु बिल्लाह, उसको इतना प्रमोट किया गया, सबको पता है हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ, और सबको माशाल्लाह, जब माशाल्लाह उम्मीद से होती हैं बच्चियां तो उनसे कहा जाता है सूर्य यूसुफ पढ़ लीजिए, तो यूसुफ पढ़ेंगे तो बच्चा जो है खैर के साथ काला नहीं हसीन निकलेगा, तो वो जो अफ्रीकन लोग है वो नहीं पढ़ते हैं सूर्य यूसुफ, उनका बच्चा फिर भी काला पैदा होता है, वो क्या है, अगर हुसन सिर्फ चेहरे पे ही है, सफेदी पर हुसन है, तो वो जो अफ्रीकन खवातीन वो भी तो पढ़ती होंगी सूर्य यूसुफ, वो भी तो चाहती होंगी ना कि हुस्न यूसुफ उनको भी नसीब हो, उनके बच्चे सब काले पैदा होते हैं, मतलब फिर क्या हो, उनकी वो कौन सी सूरत पढ़े, फिर सूर्य नूर पढ़े, रोशनी वाली सूरत, शायद उनके बच्चे सफेद पैदा हो जाए, ये हमारी अप्रोच, जी ये कुरान, जी इसमें कुरान है रियली, कहते हैं आप बस यूसुफ पढ़ना शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह आपका बेटा बहुत हसीन और जमील पैदा होगा, क्यों, यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन और जमील थे, इसी हुस्न जमाल में हमें घेरा गया मेरे मोहतरम, उसी से निकल न सके आज तक मेरे मोहतरम, और लोग इससे बहुत फायदा उठाते हैं, जी जी माशाल्लाह उन लोगों का बहुत फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हसीन चेहरे रखकर माशाल्लाह दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं खैर के साथ, उसी को कैश करा रहे हैं, बस उसी को, कोई क्वालिटी नहीं, बस चेहरा बहुत अट्रैक्टिव है साहब, हसीन और जमील है, चलिए सब आइए, मगर ये नहीं बताया किसी ने कि अमल हसीन होता है। आहा ठीक हो गए सब, आइए अब आइए मेरे मोहतरम, फर्क देखा आपने, अब आइए हम आते हैं सूरह वही आयत नंबर 104 सूरह अल इमरान, यामुरून बिल मारूफ, तलकीन करते हैं मारूफ, मारूफ भी नेकी नहीं साहब, नहीं साहब, ना नेकी नहीं है, अभी आप देखेंगे हम, जी इसका रूट वर्ड है मेरे मोहतरम आराफा यारिफू, ठीक, मगर ये मारूफ है, इसको हम कहते हैं मफरूल का वजन, जैसे मकतूब, ये मकतूब है मेरा, मकतूब लिखी हुई चीज, इसको इसे मफरूल कहते हैं मेरे मोहतरम, और ये बनता है सुलासी मजहूल से, ये होगा रुरिफा, रुरिफा युरफू मारूफन, इसे मफरूल है यानी मारूफ चीज, ठीक साहब, क्या मारूफ चीज है मेरे मोहतरम, जी तलकीन करते हैं मारूफ चीज की, तो क्या चीज मारूफ है मेरे मोहतरम, नेकी नहीं तो नहीं है ना, मारूफ चीज का मतलब हुआ वही बात हम देखे अब्दुल्ला आ रही है, मारूफ का मतलब वो दीन हक्का जो अल्हम्दुलिल्लाह फितरी तौर पर आपके अंदर भी वदियत है मेरे अंदर भी वदियत है, दोनों के अंदर मारूफ है, हमारे शुरूर शुरूर में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीन की बातें मौजूद हैं,
तभी कहा गया वो बस एक दूसरे को तलकीन करते हैं मारूफ बातों की जो ऑलरेडी नॉन्स हैं, अननोन नहीं नॉन्स हैं, मारूफ हैं, लोग जानते हैं उसको, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, एक वदियत कर दिया गया। पैदाइश से ही अल्लाह ने हमें तमाम दीन इस्लामी हमारे अंदर वदियत कर दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है मारूफ दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, उर्फ आम के मुताबिक है। तो मारूफ का मतलब मेरे मोहतरम नेकी नहीं है, मारूफ का मतलब ये है कि साहब वो चीजें जो ऑलरेडी जानते हैं लोग, जो ऑलरेडी लोगों को उसका इल्म है, आप एक दूसरे को उसकी तलकीन किया करो, वही रिमाइंडर दे दिया करो ना साहब, बस मारूफ चीजें हैं, हर चीज वदियत कर दी गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा काम का एक रिमाइंडर देना है, तलकीन करनी है, रिमाइंडर देना है मेरे मोहतरम। तभी तज़कीर का मतलब क्या है, याद दिहानी कराना। तो किस चीज की याद दिहानी कराएंगे, जो चीज पता है तभी तो आप याद दिहानी कराओगे ना मुझे। कुरान में है ना फज़क्किर इन नफ़अतिल ज़िक्रा, मेरे हबीब मेरे आका सरवर कायनात फिदा हो भी उम्मीद सल्लम, आपकी मनसबी जिम्मेदारी क्या है, तज़कीर। जी आप तज़कीर करने आए हैं, तो तज़कीर का मतलब याद दिहानी कराना, रिमाइंडर देना। इसका मतलब ऑलरेडी सब चीजें मौजूद हैं, तभी तो रिमाइंडर दिया जा रहा है। तो बस रिमाइंडर काफी है, हुक्म देने की जरूरत नहीं। देखा आपने मेरे मोहतरम, तो मारूफ का मतलब नेकी नहीं है, वो मारूफ अंडरस्टूड नॉन्स बातें उसके तलकीन करना। हसना का मतलब मेरे मोहतरम बेहतरीन, सबसे आला तरीन अमल, सबसे आला तरीन अमल यह है हसना जी। और अलबिर मेरे मोहतरम वो नेकी जो अल्लाह जो मसबूक हो, यानी जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की खूब ताजीम और खूब मोहब्बत के बाद जो अमल अंजाम दिया जाए उसको कहते हैं अलबिर। फर्क समझ गए यहां मेरे मोहतरम जी। ऐसी तरीके से तमाम बातें इंशाल्लाह वाजी होती चली जाए। अच्छा वतनसौना अनफुसकुम जी, यहां मेरे मोहतरम इस हाल में कि आप अपने आप को भुलाए जाते हो। मैंने बताया था आपको इंशाल्लाह अभी दो हफ्तों के बाद जब इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये अरेंजमेंट ये क्यों की है, यस, और अल्लाह ताला ने किन किन बातों का तस्करा किया है मेरे मोहतरम, देखिए साहब। नसिया ले चुके हम, नसिया यंसा जी, नसिया यंसा, इसमें भी इख्तिलाफ है ना, लोग कहते हैं इंसान नसिया से है, नहीं साहब वो अनिसा से है। बहरहाल दो कौल है अलग अलग, कुछ लोगों का ख्याल है नसिया है रूटवर्ड, इंसान का रूटवर्ड नसिया है, बहरहाल कैसे है कुछ लोगों का ख्याल है, ठीक कोई हर्ज नहीं। तो बेहतरम यहां फरमाया आप भुला देते हो, वतनसौना और आप भुला देते हो, अनफुसकुम अपनी जानों को। बताया था आपको नफसा सांस को कहते हैं, नफसा जी, और अगर एक है नफूसा वो है इंतहाई नफीस, नफीस चीज कीमती आला कीमती वो अलग है। तो नफसा का मतलब वो जिससे नफ्स निकला है, जिसको हम कहते हैं सोल, रूह जिसको हम कहते हैं बहरहाल। तो फरमाए अपनी जानों को आप भुला देते हो। देखिए साहब अल्लाह ताला ने इस बात की यहां तंबीह क्यों करी मेरे मोहतरम, यही मेरे मोहतरम सबसे बड़ी आफत है इंसान की जी, कि वो लोगों को तो नसीहत करता है मगर खुद अमल नहीं करता मेरे मोहतरम जी। आज आपके सामने है,
आप जिससे कहें माशाल्लाह वो आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देंगे सच बोलने के बारे में, इतनी फजीलतें, इतनी आयात, इतनी कुरानी, मगर उनकी पूरी जिंदगी झूठ पे चल रही होगी। सारा झूठ पे चल रहा है, मगर उनसे कहें जरा एक लेक्चर दीजिएगा जरा साहब सदाकत के बारे में। आइए साहब देखिए कैसे धूमधार माशाल्लाह स्पीच की जाए। और वो पता है कब से सिखाई जाती है मेरे मोहतरम जी? स्कूल के जमाने से ना, कहते साहब कंपटीशन है स्पीच में। अब स्पीच मिस लिख के देती है या सर लिख के देते हैं, वो बच्ची जो है या बच्चा उसका उसकी उम्र 15 साल है, उसको पता ही नहीं कश्मीर कहाँ होता है, उसको पता ही नहीं जी फला इशू क्या है और फला, उससे कहते हैं बस आप बोलिए साहब। अब माशाल्लाह वो आकर स्पीच करते हैं, सारा स्टेज हिला देते हैं और पहला प्राइज मिल जाता है। ना उसको बच्चे को पता कि मैंने कहा क्या है अल्फाज सिर्फ, ना उसकी शख्सियत का हिस्सा है, कुछ भी नहीं। झूठ बोलना हमने सिखाया स्कूल के जमाने से, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, स्पीच कंपटीशन, सबको माशाल्लाह स्पीकर बना दिया खैर के साथ, सबको अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सिखाया कि जुबान इस्तेमाल करना सीखो, अमल को छोड़ दो, स्पीच आपकी लाजवाब, इशारे आपकी लाजवाब हों, आवाज आपकी लाजवाब होनी चाहिए, डाइस को हिला देना, स्टेज को हिला देना, जोर जोर से डाइस को मारना, जबरदस्त, खत्म, एक्सेलेंट, ये हमने सिखाया। दोहरा मेयार हमें सिखाया गया मेरे मोहतरम जी, दोहरा मेयार सिखाया गया। तो ये जो अब कर रहे सही तो कर रहे हैं, कोई अरग नहीं कि साहब मेरा अमल छोड़ दो साहब। अच्छा फिर हमें और मजीद एक्सक्यूज मुनाफकत समझाने के लिए क्या कहा गया कि साहब देखिए आप अमल मत देखिए, बस अमल छोड़ दें, आप ही देखिए वो कह क्या रहा है। कह क्या रहा है, ये कौन सा तरीका है मेरे मोहतरम? क्या मेरे मोहतरम कोई लफ्ज असर अंदाज होगा अगर बेअमल हो? मगर हमसे कहा गया हाँ हो सकता है, आ स्पीच को देखिए आप अमल को मत देखिए। आऊज़ु बिल्लाह, मुनाफकत करना, फिर मुनाफकत को एक्सक्यूज देना और हमें सबको मेरे मोहतरम हिपोक्रेसी की तालीम देना, ये हमने किया है मेरे मोहतरम जी। इसीलिए ये आम कहावत है ना मेरे मोहतरम, लोगों को नसीहत, खुद को फजीहत। लोगों को नसीहत कीजिए बस, खुद अमल मत कीजिए। ये सिखाया गया, तभी कुरान ने इस बात को यहां खास तौर पे तस्किरा फरमाया मेरे मोहतरम। ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा मत कीजिए, लोगों को अच्छाई की तलकीन देते रहें और खुद उससे महरूम रहें, उससे दूर रहें, ना ऐसा मत करना, ठीक है? अच्छा अमरी मोहतर मिया देखिए, तामुरूना ये फेल मुदारे है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तनसौना ये भी प्रेजेंट कंटिन्यू। तो इशारा दिया जा रहा है मेरे मोहतरम, जिस एवरेज से माज अल्लाह वो अपने जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी एवरेज से मेरे मोहतरम वो बेअमल हो चले जा रहे हैं। जितना इंसान अपने जुबान पे जोर देता है उतने वो बेअमल होता चला जाता है। यस, यही है आज दुनिया में, आज किसकी जीत है मेरे मोहतरम? स्पीच की जीत है ना, जुबान की जीत है और कुछ भी नहीं है दुनिया में। और हम तो माशाल्लाह स्पीकर तो हम हैं ही, अमल कहाँ है मेरे मोहतरम? ठीक, अच्छा, अब यहां एक अच्छी बात और आ रही है मेरे मोहतरम। मैंने आपसे कहा अगर इसको हम हर्फ आतफ लेते हैं तो ये एक ही अमल होगा, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छाई की तलकीन कर रहे हो, ठीक, और अपने आप को भुलाए चले जाते हो, और अपने आप को भुलाए चले जाते हो, ठीक, या तुम कहें आप लोगों को अच्छाई की तलकीन करते हो इस हाल में
इस हाल में कि अपने आप को भुलाए चले जाते हो, ये भी सही है, इस हाल में ज्यादा अच्छा है। ठीक, सूरत हाल है ना मेरे मोहतरम, सूरत हाल यही है। आगे का वह अंतुम तत्लून किताब, अब ये फिर दोबारा वाव हाल आ गई, इस हाल में कि आप किताब की तिलावत करते हो। अरे ये क्या कह दिया, यही तो मसाला है मेरे मोहतरम जी। तला तला यतलू मेरे मोहतरम, तलावा और तला का मतलब बताया आपके मोहतरम, तला तला का मतलब है पढ़कर सुनाना जी, पढ़कर सुनाना, पढ़ना नहीं है मेरे मोहतरम। यहां भी जी कि धोखा कहा किया गया, जहां भी कुरान में आता है तत्लू तो कहते आप पढ़ नहीं जा पढ़ नहीं सकते थे। अरे साहब तत्लू का तर्जुमा तो सही उठाइए, पढ़कर सुनाना। अरबी जुबान में अगर आप किसी से रेली, आप कहीं बैठे हैं और आप चाहते हैं कि सबके पास पेपर है, तो आप उससे कहेंगे उतलू उतलुल वरका, यानी आप पढ़िए जो लिखा है उसको पढ़ के सुनाइए। तो तला का मतलब है पढ़कर सुनाना, पढ़ना नहीं है, पढ़ने का मतलब है करा, मगर तत्लू या उतलू पढ़कर सुनाना। बहरहाल तो यहां मेरे मोहतरम फरमाया इस हाल में कि आप सब किताब को पढ़कर सुना रहे हो, क्या इशारा है मेरे मोहतरम कि आपके पास किताब इलाही का इल्म है। ओहो यस, तभी लोगों को धोखा दे सकोगे ना। कैसे लोगों को आप तलकीन करोगे अच्छाई की, आपको चाहिए ना कुछ आयतें, आयतें हैं लाइए, आयतें किताब के लाएंगे ना आप अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए। इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे वो अलग बात है, ट्विस्ट करेंगे वो अलग बात है, मगर कुरान को कोट तो करेंगे ना साहब जी, कुरान की आयत कोट करेंगे, अब उसके बाद क्या होता है वो अलग मसला है। ये इशारा दे दिया मेरे मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कि जो लोग ये किरदार इख्तियार करते हैं माज अल्लाह कि लोगों को वो अच्छाई की तलकीन करते हैं और खुद बेअमल होते हैं, मेरे मोहतरम बता दिया कि उनके पास इल्मुल किताब होता है। अल्लाह अकबर, तो नाजुक मसला है मेरे मोहतरम। लोग समझते हैं अगर इल्मुल किताब है, अगर ससुर नंबर दात और आयत नंबर दात और हदीस नंबर दात और किताब नंबर दात, इस मतलब कि इल्म है तो अमल है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। बता दिया था आपको पहले भी, दो अलग अलग चीजें हैं मेरे मोहतरम, अमल अलग है, आप याद रखिए। अमल के लिए मेरे मोहतरम क्या मतलूब है, फितरत सलीमा को एक्टिव करना, एक्टिवेट करना। यस, अमल के लिए मेरे मोहतरम फितरत सलीमा को, कल्ब सलीम को एक्टिवेट करना है, अमल अल्हम्दुलिल्लाह नसीब होता चला जाएगा, उसके लिए इल्म की जरूरत नहीं है मेरे मोहतरम ना। इल्म तो मेरे मोहतरम सिर्फ दिखावे और रियाकारी के नहीं किया जाता है, हासिल किया जाता है जी। आज यही तो है, हर इंसान चाहता उसका मकाम और मर्तबा हो जाए, नाम हो जाए कि साहब फला दरस कुरान देते हैं साहब जी जी, अच्छा अच्छा दरस कुरान इतना बड़ा जी, दरस कुरान देते हैं साहब, बस यही सुनने के लिए कान तरसते हैं मेरे मोहतरम, उसी के लिए फिर सब कुछ करता हूं, सब कुछ गलत सलत जो भी है। अब पब्लिक डिमांड भी तो चाहिए ना, अब जो लोग आए हैं मेरे पास अब उनको लेके भी तो चलना है ना साहब। हाँ, अब यकीनन लोगों की मर्जी के मुताबिक, लोगों की डिमांड के मुताबिक उनके लिए कुरान को समझाया जाएगा, पूरी दीन उनकी डिमांड के मुताबिक जरूरी है, इसलिए कि अगर शागिर्द हैं तो हम हैं, अगर अपनी अगर हम किताब और सुन्नत के मुताबिक कुछ कहेंगे सब भाग जाएंगे तो किसको पढ़ाऊंगा, फिर मेरा शौक तो रह जाएगा।
दर्स कुरान देने का शौक तो रह जाएगा बीच में। देखा आपने मेरे मोहतरम, इसलिए अब आप आइए तफसीर कुरान बिल कुरान की तरफ। एक और बात आपको बताता हूं मेरे मोहतरम, सूरह बकरा की आयत है, सूरह बकरा की आयत मेरे मोहतरम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा ये आयत नंबर है 113 मेरे मोहतरम, 113 बहुत प्यारी आयत। ये आयत नंबर 44 की वजाहत हो रही है जबरदस्त तरीके से तफसीर कुरान बिल कुरान। फरमाया वकालतिल यहूद, और यहूदियों ने कहा लैसतिन नसारा, नहीं है क्रिश्चियन अला शैएन, ये किसी चीज पर नहीं, यानी इनकी दीन की कोई हकीकत नहीं है। कौन कह रहा है? ओल्ड टेस्टमेंट वाले न्यू टेस्टमेंट की नफी कर रहे हैं, अहद कदीम अहद जदीद से कहा जा रहा है, तौरात वाले इंजील वालों से कह रहे हैं कि साहब इनका दीन की कोई हकीकत नहीं है, न इनकी कोई हकीकत है, दे आर नथिंग, ये खुद नथिंग, इनका दीन तो है ही नथिंग, ये खुद भी नथिंग। कौन? हम नहीं कह रहे साहब, यहूदी कह रहे हैं अपने भाइयों के बारे में जिनको हम बहुत कुछ समा, हमने उनको मकाम और मर्तबा दिया। यहूदी क्या कह रहे हैं अपने क्रिश्चियन लोगों के बारे में कि इनके कोई हकीकत नहीं है, दे आर नथिंग, कंप्लीटली निगेट। अच्छा सर, उन्होंने क्या जवाब? ठीक है सर। वकालत नसारा, वहां से क्रिश्चियन लोगों ने जवाब दिया लैसत यहूद अला शय, नहीं साहब यहूदियों की कोई हकीकत नहीं है, यहूदियों के दीन की कोई हकीकत नहीं है, न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट की नफी कर रहे हैं साहब, निकाल लिया यहां से, कुछ भी नहीं है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और हम मुसलमानों को समझाया गया कि नहीं साहब यहूदियों की रिवायात माननी चाहिए, जी शरीयत उनकी सही है, शरीयत माननी चाहिए, कुरान क्या कह रहा है, अपने हाथों से लिखा फिर कहा अल्लाह ताला की तरफ से, और अपने बारे में ये कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में। मगर हम मुसलमानों का इसरार है कि नहीं साहब यहूदियों पे, यहूदी इल्हामी दीन है, क्रिश्चियनिटी भी इल्हामी दीन है, या तौरात मुकम्मल सही है, इंजील मुकम्मल सही है, उनकी शरीयत सब मुकम्मल सही है, और हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे लेना चाहिए। तो फिर कुरान का क्या करूं मेरे मोहतरम, ये क्या मतलब, ये जुमला जो ये आयत अल्लाह ताला ने यहां बयान फरमाई ऐसे ही है बस, बतौर जुमला है, कोई हकीकत नहीं इसकी। या दुश्मनी में यहूदियों ने कहा एक दूसरे से, दुश्मनी के हवा दुश्मनी के बिहाफ पे कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुश्मनी का क्यों तस्किरा करेंगे मेरे मोहतरम? नहीं साहब, ये अल्लाह ताला की तरफ से स्टेटमेंट है मेरे मोहतरम, नाकाबिले तरदीद। मगर कमाल देखिए मुसलमानों का साहब, इनको अहले किताब करार देकर पूरी शरीयत उनके मानते हैं, पूरी शरीयत, उनका जबीहा भी जायज है, उनसे शादी करना भी जायज है, सब जायज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं देखा आपने, आगे चलिए, आगे चलिए, फरमाया वहुम यतलून अल किताब, फरमाया वहुम इस हाल में कि वो किताब की तिलावत करते हैं, एक दूसरे को पढ़ के सुनाते हैं। आगे ऐसा देखा आपने कि मेरे मोहतरम तिलावत किताब, मेरे मोहतरम तिलावत किताब काफी नहीं अमल को बेहतर करने के लिए, ना ये देखे ना एक दूसरे की नफी कर रहे हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हालांकि इनके पास किताब मौजूद है और तिलावत की किताब के किताब की तिलावत भी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद नफी कर रहे हैं। ये होता रहेगा,
क्यों हो रहा है, इसने क्यों, असल में क्या हो रहा है, वो लोगों को नसीहत कर रहे हैं ना, लोगों को तलकीन कर रहे हैं और अपने आप को भुला दिए हैं, अपने आप को भुला। आगे चलिए इस आयत में देखते हैं, मोहतर फरमाया كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك اسی طرح قال الذين کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے مثل قولهم ان کے کہنے کے مطابق ان کے اس قول کے مطابق او لوگوں نے بھی کہا جو نہیں جانتے کیا کہا یہی ایک دوسرے کی نفی کری میرے محترم ये एक दूसरे की नफी करना तो करनी पड़ेगी ना मेरे मोहतरम। यहां मेरे मोहतरम यहां जो कहा जा रहा है वतनसौना अनफुसकुम, इस हाल में कि आप अपने आप को भुला देते हो, क्या इशारा है पता है आपको, क्या इशारा, इशारा ये दिया जा रहा है कि उनको जरूरत नहीं तलकीन करने की, वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं जी, अपने आप को परफेक्ट, उनको कोई जरूरत नहीं है न इसलाह की न तलकीन की न नसीहत की, वो परफेक्ट हैं, तभी गैरों पे उंगलियां उठाते हैं मेरे मोहतरम। आज आप देख लीजिए, आज हर मुसलमान अपने आप को परफेक्ट समझता है मेरे मोहतरम, तभी दूसरों पे नुक्ताचीनी करता है, दूसरों पे दूसरों की तनकीद करता है और दूसरों पे औज़ु बिल्लाह फतवे उनके खिलाफ सादिर करता है, अपने खिलाफ नहीं, तो परफेक्ट है कामिल अकमल, उसकी नमाज ही कबूल हो रही है, उसी का ही रोजा कबूल हो रहा है, उसी की ही नमाज तरावी कबूल हो रही है, सब कुछ उसी के कबूल हो रहा है, बाकी तो सब देखा आपने मेरी मोहतरम। ये बीमारी कितनी आम है पूरी उम्मत मुस्लिमा में आपके सामने, ये मिजाज बनाया गया कि तनकीद करिए लोगों पे, बस लोगों का मुहासबा कीजिए, अपना नहीं ना लोगों का बस, और नसीहत करिए तलकीन करिए अच्छाइयां लोगों को, अपने आपको जरूरत नहीं है। माशाल्लाह सभी अल्हम्दुलिल्लाह रिफॉर्मर जो उठे हैं हमारे यहाँ, सभी माशाल्लाह सभी लोगों की इस्लाह के लिए उठते हैं, अपने इस्लाह की कोई फिक्र नहीं है, मगर लोगों की इस्लाह की फिक्र है मेरे माता। मना किया था कि ये मत कीजिएगा, देखिए आगे क्या कहा, अफला ताकिलून, क्या आप अकल इस्तेमाल नहीं करते। अरे साहब जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आपको लगता है कि तालीमात इलाही खैर का बाइस हैं, तालीमात इलाही नजात का बाइस हैं, तालीमात के इलाही बेहतरीन जिंदगी गुजारने का जरिया है, तो उनको अडोप करिए ना मेरे मोहतरम। अगर आपको लगता है कि साहब ये अलबिर, ये अच्छाइयां और ये आमाल सालिहा, अल्लाह ताला की मोहब्बत के बाद करने वाले आमाल, ये इंतहाई अच्छे हैं, तो आप इनको इनको आप क्यों नहीं अख्तियार करते। साबित हो रहा है कि वो अपने अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि वो गलत बयानी कर रहे हैं मेरे मोहतरम, सिर्फ मुनाफकत कर रहे हैं, जुबान खर्ची मेरे मोहतरम, जी जी लफाजी कर रहे हैं। इसलिए अगर उनको यकीन होता कि ये अच्छाइयां जो हैं ये हमारी नजात का जरिया हैं, तो ये खुद उन पे अमल करते, मगर वो सच्चे नहीं है मेरे मोहतरम। तो अफला ताकिलू, ये कहा नहीं, कुछ और कहा, मोहब्बत भरा जुमला, यस नहीं कहा कि ये मुनाफिक हो गए हैं आप, दोज़ख वाजिबुल जहन्नम हो गए हैं आप, क्या आप अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। अफला ताकिलून क्वेश्चन, क्या आप अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी व्हाई डोंट यूज योर माइंड, यूज योर माइंड, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में, क्या कर रहे हैं आप, लोगों को अच्छाइयों की तलकीन कर रहे हैं और खुद अमल नहीं कर रहे आप,
ये है मेरे मोहतरम। तो क्या समझ में आ रहा है? दावत तअक्कुल और दावत तफक्कुर दीजिए, बस ये हमारा काम है कुरान के मुताबिक। मैंने आपसे हमेशा कहा स्टेटमेंट मत दीजिए मेरे मोहतरम। ये देखिए अफला क्वेश्चन किया जा रहा है, अफला क्या नहीं, क्या नहीं। मेरे मोहतरम बताया था आपको स्टेटमेंट अगर आप दीजिएगा तो सामने वाले इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपकी बात को माने या ना माने, ठीक। लेकिन अगर आप अपनी कोई बात बतौरे क्वेश्चन पेश करते हैं मेरे मोहतरम, तो सामने वाले के पास एक ही ऑप्शन होता है और वो क्या है, उसके बारे में वो सोचना शुरू करता है। बस यही हमारा आपका काम है मेरे मोहतरम। हमने फितरत सलीमा को उजागर करना है, बस यस एक्टिवेट करना है मेरे मोहतरम। बस आप एक नए नंबर लेते हैं ना, वो आपसे कहते हैं कि साहब आप इस नंबर पे फोन करिएगा उस तो उसको आप एक्टिवेट करने के लिए, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप कोई कार्ड बनाते हैं बैंक का, उसमें भी यही प्रोसेस है कि आप फोन करें एक्टिवेट कर लीजिए उसको, वरना वो डेड रहेगा, है ना सर। तो हमारा भी काम यही मेरे मोहतरम। बस अक्ल इंसानी को जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अक्ल इंसानी को मुखातब करना है मोहब्बत और प्यार से, जी नरम गुफ्तगू से दिल पे असर कर जाए और बस लोगों को सोचने पे आमादा करना है, अपने अकल को इस्तेमाल करना, बस सोचने पे आमादा करना है, गौर फिक्र करने पे आमादा करना है। बस इंसान गौर फिक्र करना शुरू कर देगा, अल्लाह ताला उसका हाथ संभालते चले जाएंगे और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे मोहतरम ये आज की आयत मुकम्मल हुई इंशाल्लाह ताला। कल इंशाल्लाह और अच्छी बातें इंशाल्लाह आ रही हैं, बहुत प्यारी बातें कल की भी इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा। या हय्यु या क्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक। या रब्बिल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, हमारे और तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम के ख़ताओं को माफ़ फरमाए, तमाम के लफ्ज़िशों को माफ़ फरमाए। या अल्लाह ताला तमाम की मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए, मुसीबतों को फरमा दीजिए, तमाम की हाजतों को पूरा फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम अपने सिवा किसी का मोहताज न बनाना, या अल्लाह ताला मोहताजी की जिंदगी से बचाना। रब्बी ज़ुल जलाल तमाम नागहानी आफतों से बचाएं, या अल्लाह ताला हमें अपनी समातों से, अपने बसारतों से, दिलो दिमाग और तमाम कुव्वत और सलाहियतों से या अल्लाह ताहयात बरतना नसीब फरमाना। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, तमाम बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। रब्बी करीम अरहमर राहिमीन, हमें या अल्लाह हम ये तमाम मरहूमीन को और हम सबको हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरमन फरमाना, या अल्लाह उनकी शफाअत से बहरमन फरमाना, या अल्लाह उनकी शफाअत से बहरमन फरमाना। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह आली में हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल मकबूल फरमाए। वाखु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा।